गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों आज के इस व्लॉग में ना, अभी तो वैसे फिलहाल हमारे दिवाली आ रही है ना, तो उसके लिए सेलिब्रेशन करना है। और सेलिब्रेशन के लिए हमें चाहिए कुछ एक इक्विपमेंट्स जो घर को हमें सजाने हैं। तो फिलहाल देख रहे हो मनीष अभी चाय पी रहा है। चाय पीने के बाद हम लोग जाने वाले बाहर, तो घर के लिए कुछ एक सामान वगैरह लेके आने हैं। तो लेके आते हैं मार्केट से, घर को पूरा सजाएंगे, फिर उसके बाद आगे दिखाते हैं। ये अभी चले थोड़ी देर में चले कहाँ पे सामान वगैरह लेने? पता नहीं। तो अभी ना वैसे थोड़ा सा अभी चाय वगैरह पी लेते ना, क्योंकि हमारा एनर्जी ड्रिंक है, तो एनर्जी ड्रिंक लेके बाद छोड़ चलते हैं आपको बाहर लेके चलते। अभी ना वैसे तो चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि ना वैसे हमारी एनर्जी ड्रिंक है ना, तो मतलब मेरे तो वैसे जब भी सर में दर्द होता था मैं तो चाय वगैरह पी लेता हूँ। तो चलते क्या कर रहे हो आप इधर? आ गई गौर से, देखी बंद हो रही थी तुमने? है आ देखते कर दी बंद है ऐसे। यार इधर देखिए, वो देख वो घर बन गया मस्त है ना, वाई सब बना रहे उधर भी, और मतलब मज़ा आ रहा है देखने में। हाँ। क्या कहा था वो नीचे ही रुक जाएगी? रुक गई क्या? फोन करिए, पर फोन कर उसको, मतलब मैंने हमने मना कर रखा है कि कभी भी कुछ कहो मतलब फटाफट पहले ऊपर आ। मानती थोड़ी ना लड़की, कहाँ बाथरूम सिंगर है गाइस तुमने रूम फ्रेशनर नहीं तो? हाँ हाँ, सब खत्म कर लो, सैनिटाइजर ले लो सब ले लो, तुम सब ले लो, सैनिटाइजर पानी है ये सैनिटाइजर कम पानी ज़्यादा है, फिर सैनिटाइजर नहीं है ले जा रहा हूँ मैं मारूंगा ससरे रख दे स्कूल में जरूर। अबे कोई कुछ नहीं पड़ता है स्कूल में, तो आजाला क्या करेगा इतने मेरे भाई, हमें हम दे ही नहीं रहे हमारी मर्जी हमारे घर। डिश टी वी ले जाए, डिश टी वी खरा ले जा रख दे यार, फिर यहीं पिटाओगे बाहर जाके पिटाओगे। हेलो नहीं नहीं मेरी रख दे यार वैसे माल कम, अभी सफाई करनी है। ये भी तो सैनिटाइजर ही है, देख ले सैनिटाइजर नहीं है, देख पहले क्या है, क्या ये सैनिटाइजर? इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर, ये भी इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर। भाई पूनम से पूछ के ले जाओ मेरे से, नहीं वो ऑनर मकान मालिक ही है। रहने दे भाई, फिर वो गुस्सा करेगी, फिर से बोला वो यार चलो एक सैनिटाइजर के लिए मर रहा है सैनिटाइजर। तुम ऐसे बड़ा सैनिटाइजर करते हो, मेरे घर नहाते वाते होने तुम सैनिटाइज करोगे अपना। अभी तो हम लोग जा रहे हैं 40 नंबर गली में जा रहे हैं। 40 नंबर 40 नंबर गली, तो इनका कहना है 40 नंबर गली जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं क्या चीज़ लेते हैं क्या चीज़ नहीं। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ इस मार्केट में, देख सकते हो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो ये मार्केट है, फ्राइडे मार्केट लगती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो भीड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, देख रहे हो मतलब पब्लिक है ही नहीं ना के बराबर है। और इधर मार्केट लगी है छोटे छोटे, और इधर मतलब पोस्टर वगैरह हैं। तो अभी आएंगे शाम के टाइम तो लेते हुए जाएंगे, और पेटीज वगैरह मतलब भटूरे आएंगे, भटूरे खाएंगे आते वक्त। गाँव जा रहे हैं, छठ पूजा नहीं करिए हम लोग, ये लड़का ना चीटिंग करता मेरे साथ, मतलब कुछ बात ना पहले बोल जाता है कि जब मैं वीडियो नहीं बनाता, जब वीडियो बना जाता तो वो बात काट देता है। तो मैं कोई बात नहीं, तो इसकी बात तो वैसे मैं मानते नहीं है, क्या बोलता है आई डोंट नो। फिलहाल देखो स्कूटी चला रहा है, और दिखाते कितनी खतरनाक तरीके से स्कूटी तो चला ही ले रहा मनीष, वैसे मनी गड्ढे उड्ढे देख के भाई है, गेरना नहीं है मुझे, एक ही है अभी ये देख रहा हूँ स्पीड में चला रहा है, लेकिन ये लड़का गेरेगा क्या भाई? दादी है ना, कहाँ जाते लू हमारा घर है। हाँ झूठ बोल रही है, देख रहे हो हैं? कहाँ जा रही हो अब? फिर सत्संग जा रही है। ये क्या हुआ हमारे साथ, ये क्या हुआ गाइस? हमारे से कुछ पता नहीं, अरे हमारी दादी मिल गई। बताओ मतलब दोपहर में ना मैं कह रहा था ना हमारे घर चलना है, तो अब मैं जल्दी जल्दी में था, तो मैं तो आगे था, लेकिन दादी जी मनीष कहाँ पर आ गई थी, तो अभी हमें रास्ते में मिल गई दादी जी। तो मैं दादी पैदल निकल रही है, तो शाम को जाकर पूछेंगे ना दादी जी कहेंगी मैं तो रात को लेट हो गई थी, तो इसे मारे यहीं आ गई। मैं कहा बस बहाने हमारी दादी पर तैयार रहते हैं, बस दादी को छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे शाम को मिलेंगे। आज हमने एक बार फिर से मनीष को सौंप दिया स्कूटी, ठीक है। अब इसके हाथ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा दिखाते हैं। गाइस मनीष को ड्रॉप करने के बाद इस मार्केट में आ चुका हूँ, देख सकते हो मतलब यहाँ पे ना बिल्कुल भी भीड़ वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और दिवाली का सामान वगैरह तो कुछ मिल ही नहीं रहा, कपड़े वगैरह है और मिल रहा है एकदम छोटी मात्रा में, मतलब ना के बराबर ही मिल रहे कपड़े, देखो सूट सलवार और ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब ना के बराबर ही है दिवाली का, मतलब जो लड़ियाँ वगैरह मिलती हैं और दीपावली वगैरह का जो गेट पर लगाने का मिलता है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो होपफुली 2 से 3 दिन बाद फिर आएंगे और आगे चलते हैं, तो वहाँ से सामान लेंगे। तो बाज़ार में ऐसे भीड़ वगैरह तो है नहीं ज़्यादा, हल्की सी भीड़ है वैसे नहीं, वेजिटेबल्स की मार्केट है, लेकिन आगे देख सकते हो उधर लगी हुई है, तो बस थोड़ी सी यहाँ से सामान वगैरह लेते हैं। देख कितने का ये,
से छोटा छोटा लगेगा, छोटा नहीं है और रंग बिरंगा तो है नहीं, वाइट ही वाइट है। तो ये कितने का है? ये दे दो, ठीक है। और ये कितने का माला? ये गेट है। हाँ गेट कितने का? I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. भैया एक काम कीजिए, एक ना इसमें से दे दो और ये माता के पैर दे दो, दो चीज पैक कर दो। अभी ना यहाँ पे ज़्यादा सामान आया नहीं, तो इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा ले नहीं रहा, तो अभी मैं बस जा रहा हूँ घर से, तो थोड़ी सब्जी वगैरह लेनी है, सब्जी लेके ना फिर सीधा चलते हैं घर के, क्योंकि ना अभी ज़्यादा समय, दो चीज़ लिए मैंने आइटम, तो होपफुली दो तीन दिन बाद। हेलो कैसे भैया? तो ये दे दो, एक किलो दे दो। सो अभी हमने यहाँ से लिए एक किलो आलू। एक तो मैं यहाँ पर सब्जी लेने आता हूँ ना भाई साहब, कुछ समझ नहीं आता क्या आलू, क्योंकि ना सब्जी में है ही वेराइटीज़ इतनी सारी कि मैं खुद कन्फ्यूज़ हुआ था टोटली कि भाई साहब क्या लेना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी मैंने आलू लिया है और इसके बाद में सोचना पड़ रहा है क्या आलू, तो देखते हैं क्या। मार्केट में ना थोड़ी सी आगे जाइए, इधर देखो कैलेंडर वगैरह मिल रहा है, हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की, ठीक है, और बच्चों के लिए ना किड्स के भी हैं, शनिदेव की, शिव जी की, और इधर देख सकते हो घोड़े वगैरह होते हैं ना शनिदेव के, वो भी मिले। लेकिन अभी हमें इसमें से कुछ भी नहीं लेना क्योंकि ना प्रॉपर मार्केट लगी नहीं है, तो होपफुली देख सकते हो उधर पूरा आगे तो कहीं भी मार्केट नहीं, तो दो से तीन दिन बाद फिर आना है, तो प्रॉपर पूरी शॉपिंग करेंगे दिवाली की। सो गाइस डिनर आ चुका है हमारा, डिनर में है दूध, भुजिया और रोटी। दूध ना थोड़ा देख रहा, मम्मी ने गिरा दी लाते से, मैं गर्म था ना तो इस मारे। सो इधर मम्मी का डिनर चल रहा है हमारा, ये आई थी, उसको बुलाते हैं तो दूध के प्यासे दी। माऊ ढूंढते ऊपर गई होगी। गाइस बिल्ली भगा दी इस लड़की ने बिल्ली भगा दी। इस लड़की ने बिल्ली भगा दी गाइस, उसको मैं ना अपने हिस्से का दूध पिलाने वाला था, लेकिन इस लड़की ने भगा दिया उसको, तो ये पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। देखियो तुराना बोल रहा, सुबह के 7:59 रेडिंग मेरा ना आज फिर से एक बार देर हो जाएगी, क्योंकि मैं रात को ना जल्दी सो गया था 11:30 बजे। मैं एक्चुअली रीडिंग कर रहा था बुक्स वगैरह, तो मैं चल अभी थोड़ी देर में करता हूँ, और रीडिंग करते करते सो गया, तो पता नहीं लगा टाइम का, सो अभी भी उठ रहा हूँ जस्ट। सो एडिटिंग वगैरह थोड़ी सी लेट हो जाएगा, वीडियो वही 10:30 बजे के आसपास आएगी गाइस, जिस था वो मैंने आपको दिखाई। सो अपनी स्लो कहीं पे करता हूँ, एंड आई होप आपको पसंद आया, पसंद आया छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू एंड।